देखिएगा।
थोड़ा सा खा के अभी हम फिर चले आएंगे सीधा शिलोंग। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। पापा भी आ रहे हैं। ब्रेकफास्ट आ चुका है। पापा ने ब्लैक टी लिया है जो आ रहा है अभी, और ये मैंने लिया है चिकन सैंडविच। सो फाइनली हम ब्रेकफास्ट करके और निकल पड़े मेरा लड़का और पुष्पा रानी के साथ। तो अभी हम जाएंगे उमियम, जो लेक है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद फिर आपको नज़ारे दिखाते रहेंगे। बस बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि नया स्टार्ट है, आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी जाके थोड़ा सा मिलेगा ये भैया, ठीक है। चलो फिर चले। मेरा पुष्पा स्टार्ट हो गया, अभी बच्चा बैठेगा पीछे। चलिए, ये एक शॉप है, ये छोटा सा एक शॉप है, बट बढ़िया है। जो भी है, यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा, और आप लोग आइए इस पर विज़िट कीजिए। और खाना अच्छा है यार, मैंने तो ब्लैक टी पिया बट अच्छा है, लड़का बोल रहा था अच्छा है। तो शुरू करते हैं उमियम। ओके, एडिट हो तो मेरा आवाज़ थोड़ा तो सुनाई दे, लेकिन होपफुली आपको बहुत कम सुनाई देगा।
फ्रेंड्स, फाइनली हम उमियम लेक के बीच के पास आ गए हैं और अभी हम सीधा जा रहे हैं। आप लोगों को लेक दिखाते हैं, थोड़ा सा सामने ही है, बिल्कुल आप लोग दिखाई दे रहा होगा। जो रेलिंग वगैरह है वो ब्रिज है, ठीक है, उसके ऊपर जो डैम के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है वो ब्रिज है। तो ये अभी जहाँ पे हम तकरीबन 9 बजे घर से रवाना हुए थे, तो बीच में हमने यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके उसके बाद फिर आया। तकरीबन 2 घंटे के आसपास लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली डेस्टिनेशन में आ गए। और यहाँ पे देखिए आप, मेघालय का गाड़ी है और ये ऑलमोस्ट सारे मेघालय के हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम ऑर्चिड में जाएंगे और वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। अभी रोड में आप लोग देखते रहना, दोनों साइड में व्यूज़ हैं और अच्छा है। ये नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर। पोर्शन है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद ख़त्म है और ये पूरा उस साइड से लेक पूरा आता है। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, ठीक है। भैया को पास दे देते हैं, मैं तो जाने दो, ठीक है। देखिए ये देखिए भाई, ये क्या नज़ारा है, देखिए बढ़िया। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, फोटो सेशन वगैरह कराते हैं। लड़का मेरा देखिए हाई कर रहा है। चलिए फिर आगे, और सुंदर व्यू है जहाँ पे ऑर्चिड होटल है, वहाँ पे काफ़ी सारा अच्छा व्यू है, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। शिलोंग में यही एक है भाई, पार्किंग का बहुत बड़ा लफड़ा है। यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है और जो यहाँ के पुलिस है वो बहुत अच्छे हैं। जो आप रोड में देखना, आप सिंगल ट्रैक मेंटेन करके चलते हैं, ये बहुत अच्छा है। ये आपको नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप शिलोंग में आएंगे तभी आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ ये वाला जो सिस्टम है, ये देखिए आप सिंगल ट्रैक में जा रहे हैं, कोई ओवरटेकिंग नहीं है। और यहाँ पे स्पेशली ओवरटेकिंग करने से फाइन लगता है, काफ़ी भयंकर सा फाइन लगता है, तो इसलिए लोग पहले से ही अलर्ट रहते हैं और ओवरटेकिंग वगैरह करते ही नहीं है। चलिए हम फाइनली आ गए हैं ऑर्चिड लेक एंड रिजोर्ट वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो आपको दिखाते हैं आगे चल के।
तो अभी हम घुस रहे हैं ऑर्किड लेक रिजॉर्ट में। बढ़िया है यहाँ पे और यहाँ पे ये है रेस्टोरेंट। चलिए ये देखिए ये रेस्टोरेंट है जहाँ से जाएंगे हम नीचे की तरफ। आप लोगों को नीचे की तरफ वाला दिखाएंगे, बढ़िया लगेगा देखने में, लोकेशन वगैरह अच्छा है। और चलिए इसी टेबल में बैठते हैं और ये पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। अभी मैं अपने लड़के को हैंडओवर कर रहा हूँ, अभी वो संभालेगा सारा कुछ। हेलमेट खोल दिया है, ठीक है, ओके। यहाँ पे स्नैक्स नहीं था इसलिए अभी हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स पे। वहाँ पे आपको व्यू दिखाएंगे वहाँ का। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।